दोस्तों नमस्कार, डेटसन रेडियो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। आज हम बात करने वाले हैं, मैंने डेटसन रेडियो में अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो डाली थी जो 31 mm की भोगली डाली जाती थी रियर शोकर के अंदर, जो बहुत ज़्यादा नॉइस करता था। तो ये रियर शोकर होता है गाड़ी का, ठीक है। तो होता क्या था, उसके बोल्ट खोल के उस 28.5 mm की वो भोगली होती थी, उसको रिप्लेस करना होता था, वो आवाज़ बंद हो जाती थी, ठीक है। तो ये एक बोल्ट तो ये हो गया 17 mm का, इसको खोल के अगर शोकर रिप्लेस करना है तो इस बोल्ट को खोलेंगे, खोलने के बाद ये यहाँ से फ्री हो जाएगा एंड इसके बाद ऊपर चलेंगे। ऊपर चलने के बाद इस ब्रैकेट के पीछे ही वो शोकर लगा रहता है, इसको खोलना होता है, वो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वैसे भी मैंने वीडियो डाली हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, मैंने बताया भी है क्या क्या चीज़ उसमें खोल के और कौन सा बोल्ट खोलना है, ठीक है। तो आप देख लेना उस वीडियो को भी, और इसको मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। अभी हमें करना क्या है, ये तो देखिए गाड़ी खुली हुई है, बॉडी शॉप में आया हूँ एक्चुअली इनकी परमिशन लेके। एंड तो होता क्या है, यहाँ पर ही होती है डिक्की लगी रहती है गाड़ी में। एंड अब ये डिक्की यहाँ पर है नहीं, जब आप अपनी गाड़ी का डिक्की ओपन कर लेंगे, करने के बाद यहाँ पर आपको रियर सीट दिखेगा, ठीक है। ये पीछे स्टेपनी वगैरह है इसका, है ना। एंड आपको क्या करना है, शोकर को खोलने से पहले ना आपको ये कवर रिमूव करना है, मैंने उस वीडियो में बताया था, उसमें पेज वो स्क्रू लगे हुए मिलेंगे एक यहाँ पर और एक थोड़ा आगे, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, इसमें स्क्रू है नहीं, तो आप जब इसको हटाएंगे ना तो यहाँ पर ना एक टेप मिलेगा, मतलब बॉन्ड टाइप मिलेगा कुछ, ठीक है ना, बॉन्ड टाइप। तो वो छूटेगा साथ साथ, उसका ध्यान रखना है आपको, जब वो खोल के आप उसको करेंगे तो एना बॉन्ड लेके आए साथ में, है ना, तो वापस लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वो बोल्ट है फ्रेंड्स, ठीक है। ये देखिए 12-13 नंबर का बोल्ट है और नीचे ये बोल्ट हो गया, ये शोकर है ऊपर, ठीक है। एंड अगर हम पहले मैं रिप्लेस की बात बता रहा हूँ, नीचे जो बोल्ट मैंने दिखाया था उसको खोलने के लिए, मतलब रिप्लेस करने के लिए एक बोल्ट वो खुलेगा और एक ये खुलेगा, खुलने के बाद ये शोकर नीचे की तरफ निकल जाएगा, आप रिप्लेस कर सकते हो। एंड अभी क्या करना है, हमें करनी है भोगली रिप्लेस। तो ये वाला बोल्ट खोलने के बाद आपको क्या करना है, खोलने के बाद जैसे आप इसको खोल दोगे, यहाँ पर देखो खोलने के लिए पहले 12-13 का एक पाना लगेगा इसमें, ठीक है, और यहाँ पर एक 6-7 की एलेंकी लगेगी, मतलब की टाइप, जो इसको ऊपर से ऐसे पकड़ लो, वरना ये घूमता ही रहेगा। अभी आपको क्या करना है, इसको खोल लेना है, खोलने के बाद जब आप इसको निकालेंगे, नीचे ये ब्रैकेट लगा हुआ है ब्लैक कलर का, इसको जब खोलेंगे ना तो इसके नीचे ही वो भोगली आपको दिखाई दे जाएगी। अभी मैं फ्रेंड्स इसको इसलिए नहीं खोल रहा हूँ क्योंकि लास्ट वीडियो मैंने दिखा भी दिया है, मैं अकेला ही हूँ यहाँ यार बॉडी शॉप में और टूल्स भी मेरे पास है नहीं, और होती भोगली तो मैं आपको रिप्लेस करके दिखा भी देता, ठीक है। ऐसे ही आपको क्या करना है, इसको रिप्लेस करने के बाद भोगली को वापस ऐसे इसको लगा के, बॉन्ड वगैरह लगाने के बाद ऐसे स्क्रू लगा देने हैं, ऐसे ही आपको राइट हैंड साइड में करना है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ये बोल्ट लगा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर भी बोल्ट लगा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे इसको खोलना है, ठीक है, खोलने के बाद नीचे ये ब्रैकेट आ जाएगा, इसको बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर वो आपको भोगली मिल जाएगी। 31 mm की भोगली आप बना के भी लगा सकते हैं, लगाने के बाद आपकी गाड़ी के अंदर जो नॉर्मल नॉइस आती थी रफ रोड पे चलने पर रियर शोकर की वजह से, वो नॉइस आपकी गाड़ी में आना बंद हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही था, मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए धन्यवाद, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच।